हेलो गाइस, तो ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है एंड ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को बताना जरूरी समझे इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट एंड मैसेज वगैरह आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि SSRD ब्लॉगर कहाँ चले गए भाई, कुछ पता है आपको कि नहीं पता है। तो हमारे हरदोई की ब्लॉगर हैं SSRD ब्लॉगर, तो ये वीडियो उनसे रिलेटेड है। वो एक ट्रिप पर गई हुई थी केदारनाथ, तो उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है गाइस। वहाँ पे 9 तारीख को ट्रिप पर गई थी, उन्होंने ये वाला वीडियो बनाया था एंड आज है 21 सितंबर। तो मतलब तब से और अब तक उनका कोई चैनल पर वीडियो वगैरह नहीं आया, ना कोई पोस्ट आई इंस्टाग्राम वगैरह पर, कुछ भी नहीं आया एंड सभी लोग काफ़ी परेशान थे। मतलब एकदम से वो गायब ही हो गई। तो फिलहाल आज हो गए हैं कम से कम 12 दिन एंड उनका कोई अता पता तो था नहीं। एंड आज मेरी वीडियो पे एक कमेंट आता है सुबह सुबह, तो उसमें कोई हरदोई का लड़का है, वो कमेंट करता है कि क्या आपको पता है भाई SSRD ब्लॉगर के साथ क्या हुआ है, मतलब क्यों वो इनएक्टिव है इतने दिनों से। लोकल की न्यूज़ है, तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं है क्या हुआ, आप बताओ। हमें कुछ डाउट हुआ मतलब ये क्या हो सकता है, मतलब यार इस तरीके से लड़का बोल रहा है। तो हम सीधा ना SSRD ब्लॉगर के यूट्यूब चैनल पर चले गए एंड उनकी जो लास्ट वीडियो थी जो उन्होंने ब्लॉग बनाया था केदारनाथ जाने वाला फैमिली के साथ, तो उसकी मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़ी। तो उनके वीडियो पर ना एक कमेंट थी सिद्धार्थ ब्लॉग करके, कोई उनके रिश्तेदार होंगे तो उन्होंने कमेंट किया था, बहुत दुख हुआ ऐसा कुछ उन्होंने कमेंट किया था। तो लड़के ने पूछा कि भाई क्या हुआ उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि उनका जो छोटा वाला बेटा है जो उनके साथ ट्रिप पर गया हुआ था, किसी हादसे में वो एक्सपायर हो गया वहाँ पर केदारनाथ में। तो मतलब यार ये मैंने जब कमेंट पढ़ा ना काफ़ी ज़्यादा हम शॉक हो एकदम से, कि यार ये कैसे हो सकता है यार, मतलब इतना हंसी खुशी हो गई थी एंड वहाँ कैसे क्या हो गया। तो मतलब आगे कोई जानकारी भी नहीं हमें कि कैसे क्या हुआ है एंड कैसे वो छोटा वाला उनका बेटा एक्सपायर हुआ है। तो ये सब जानकारी के लिए ना हम अभी उनके घर जाने वाले हैं। फिलहाल उनका घर में उनको पता नहीं है, बट हम ढूंढ लेंगे, वीडियोस में कभी कभी दिखाया उन्होंने, और जानकारी ले लेंगे। तो मतलब पूरी बात पता करके आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, मतलब क्या हो गया वहाँ पर। मतलब यार वो बड़ी खुशी से गई थी ट्रिप पे केदारनाथ की, उनके साथ ये सब हो गया, मतलब बहुत दुख हुआ जान के यार। तो ये सब उनको आज सुबह मालूम पड़ा था, तब से हमारी ब्लॉग बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। तो यार मतलब बहुत यार बेचैनी हो रही थी, मतलब कैसे क्या उन्होंने ये सब सहा होगा, कैसे क्या हैंडल किया होगा, मतलब केदारनाथ से हरदोई सब मैनेज करना। इंडियर वैसे भी ना वो बहुत ज़्यादा भावुक हैं, वो लाइव स्ट्रीम में कभी कभी रोने लगती थी। तो यार मतलब उनके साथ ऐसा हो गया यार, मतलब विश्वास नहीं हो रहा यार। फिलहाल अब जानकारी लेने की कैसे क्या हुआ है, तो जाएंगे अभी उनके घर पे एंड देखते हैं क्या रहता है। तो भाई हमने उठाया अपनी बाइक और निकल गए SSRD ब्लॉगर के घर की तरफ एंड मोहित को साथ ले लिया था। उनके मोहल्ले में पहुँच के हमने कुछ लोगों से पूछा अभी उनका घर कहाँ पे है, बट वो लोग बता नहीं पाए। फिर हमने अपने आप से थोड़ा सोच के उनका घर वगैरह ढूंढ लिया, फिर उनसे बातें भी की, पूरी बात की हमने उनसे। तो भाई फिलहाल हम आंटी जी के यहाँ पे हो आए हैं एंड बहुत ज़्यादा अपसेट थी वो, बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी, मतलब ऐसा हो गया उनके घर में। उन्होंने पूरी जानकारी दी कैसे किया हुआ, सब कुछ बताया। एक्चुअली वो गई थी 9 तारीख को यहाँ से केदारनाथ के लिए, फिर वहाँ पहुँच भी गई थी एंड 1 किलोमीटर पहले उन्होंने रूम ले लिया था वहीं पर एंड उनको सुबह निकलना था दर्शन करने के लिए। बट सुबह ऐसा हुआ कि सुबह 4 बजे उनके छोटे वाले बेटे की तबीयत खराब हो गई अचानक से, ठंड ठंड लगी, बुखार उखार आया, जुकाम वुकाम भी हो गया था वहाँ पे। फिर कुछ ही देर में ना उसको मतलब अचानक से क्या हुआ, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, कुछ सांस लेने में दिक्कत हुई एंड वो वहीं पे एक्सपायर हो गया। मतलब इस तरीके से ये सब हुआ, बहुत ज़्यादा उनके घर वाले परेशान हैं इस समय। एंड यार उनके बेटे को ना कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई बीमारी भी नहीं थी, एकदम स्वस्थ था, अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ गया था एंड ये सब हो गया। मतलब ये बस हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि आजकल वो क्यों इनएक्टिव हैं इतना ज़्यादा, और आप लोग हमसे पूछ रहे थे। तो यार मतलब ऐसे कोई इरादा नहीं था ये वाला वीडियो बनाने का, बट यार मतलब और वहाँ ना इतनी ऊंचाई पे कोई हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं था। एक्चुअली एक कैंप लगा हुआ था जिसमें डॉक्टर वगैरह बैठे हुए थे, तो उनसे भी कुछ खास हेल्प मिल नहीं पाया। फिर यार 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर एंड वहाँ ऐसा होना बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। तो भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले एंड SSRD ब्लॉगर को थोड़ी सी हिम्मत दें यार, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थी वो एंड वैसे भी वो इमोशनल हैं यार, मतलब बात बात पर रोने लगती थी लाइव स्ट्रीम वगैरह में एंड ये सब हो गया, तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब बात है यार। तो भाई आशा करते हैं इस वीडियो से उनके जो कुछ सब्सक्राइबर हैं एंड जो कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनको ये सब बातें मालूम चल जाएंगी कि कैसे क्या हुआ और क्यों अभी तक वो यूट्यूब पे नहीं आए हैं और पता भी नहीं है कब तक आ पाएंगी। मतलब तो बस दोस्तों ख़त्म करते हैं इसको, बाय बाय, टेक केयर।